हाँ तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रस खान, ठीक है। इसमें जो रस खान के सवैये अत्यंत सरसता वो माधुर्य से भरे होते हैं, है ना। अब देखिए, अब हम लोग बच्चों इसको पढ़ते हैं आगे, शब्दार्थ, ठीक ना। शब्दार्थ देखिए, बिना धर्म के देश पर शासन करना संभव है। कहते हैं कि धर्म के बिना इंसान बिना लगाम के घोड़े की तरह होता है, ठीक है। बिना धर्म, हम लोग बच्चों आगे पढ़ते हैं शब्दार्थ, है ना। देखो बच्चों, शब्दार्थ का अर्थ होता है शब्दों का अर्थ, है ना, शब्दों के अर्थ। शब्दार्थ बच्चों, इसको शब्दार्थ को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं और उसे याद करते हैं। जब हम शब्दार्थ याद नहीं करेंगे, वर्ड मीनिंग याद नहीं करेंगे, हम जो भी यहाँ पंक्ति पढ़ेंगे हम उसको उसका अर्थ स्पष्ट नहीं बता पाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें शब्दार्थ की ज्ञान अति आवश्यक होनी चाहिए, है ना। जैसे कानन का मतलब क्या हो जाएगा, अब जैसे रहेगा कानन, है ना, कर कानन कुंडल मोर पंख उर्पे बनमाल विराजती है, है ना। कर कानन कुंडल मोर पंख उर्पे बिन क्या जगह बनमाल विराजती है, क्या समझ में आया, है ना। इस तरह से बच्चों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग, है ना, इसीलिए कानन अगर याद रहेगा, कर मतलब हाथ, कान मतलब कानन, है ना, जिसके कानों में कुंडल मोर पंख उर्पे, उर अगर अर्थ नहीं मालूम आपको, उर का अर्थ क्या होता है, तो आप ठीक तरह से क्या कर सकते हो, आप उसका अर्थ नहीं बता सकते हो। उर मतलब क्या हो गया, हृदय, उर्पे पर बनमाल मतलब माला, फूलों की माला, पुष्प माला, है ना, विराजती है, शोभती है, है ना, शोभती है, मैंने क्या कर कानन कुंडल मोर पंख उर्पे बनमाल विराजती है, मैंने बालकृष्ण के हाथों में क्या हो जाएगा, बालकृष्ण के कानों में कुंडल, है ना, अच्छा, सिर पर मोर पंख, उर मतलब हृदय, हृदय पे क्या है, हृदय पे वैजयंती माला विराजती है, समझ गए। इसीलिए बच्चों शब्दार्थ याद करना अति आवश्यक है, ठीक है। अब तो रस खान के सवैये अच्छे से याद करोगे, है ना, उसको अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ, ठीक है। कानन मतलब कानों में, ठीक है। कर कानन कुंडल मोर पंख, है ना, कर कानन कुंडल, ठीक है। मोहिनी मैंने मन को हरने वाला, है ना, मन को हम लोग इसको बताएंगे, मन को हरने वाला है, किसी चीज़ को देख के मन को हर लेना। जब श्री कृष्ण जी जब बांसुरी बजाते थे तो गोपियाँ क्या होती थी, बेशुद्ध हो जाती थी, क्या कहती थी, गोपियाँ एकदम बेशुद्ध हो जाती थी, है ना। अच्छा, अटा मतलब अटारी या घर की छत पर बना कमरा, है ना। गोपियाँ जब अपने क्या हो जाएगा, गोपियाँ सिर के बांसुरी की धौनी की आवाज़ सुनकर क्या होता, बेशुद्ध हो जाती थी और वो अपने घर के ऊपर रहती थी और क्या अपने मान मर्यादा को त्याग कर उसी स्थान पर पहुंच जाती थी जहाँ पर श्री कृष्ण जी क्या कर रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे। आपका अर्थ समझाएंगे इस, है ना। अटा मतलब क्या हो गया, अटारी या घर की छत पर बना, है ना, मैंने श्री कृष्ण के रूप को देखकर गोपियां क्या होती, मोहित हो जाती थी, है ना। इसीलिए तो क्या, कानन मतलब कानों में, मोहिनी मतलब मन को हरने वाली, अटा मतलब अटारी घर की छत पर बना कमरा, ठीक है। टेरी मतलब आवाज़ लगाकर, टेरी मतलब आवाज़ लगाकर। सिंगरे मतलब सभी, है ना, सिंगरे मतलब सभी। और बच्चों याद, जब भी आप उसे याद करते हो, पढ़ते हो, तो उसे क्या मात्रा पे विशेष ध्यान देंगे, आप मात्रा के साथ याद करेंगे, ठीक है। आगे याद कर लेंगे तो उसके बाद मात्रा का ध्यान देंगे, उसको लिख लीजिएगा तो आपको गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है। सिंगरे मतलब सभी। काल ही मतलब कल को। ना जहें मतलब क्या हो जाएगा, ना जहें मतलब नहीं जाती, है ना, ना जहें मतलब नहीं जाती। मोर पंख मतलब क्या हो जाएगा, मोर का पंख, है ना, मोर पंख, है ना। श्री कृष्ण के ऊपर में क्या होता है, कर कानन कुंडल मोर पंख, है ना, उनके सिर पर क्या होते हैं, मोर पंख होते हैं, ठीक है। उर मतलब क्या हो गया, हृदय, है ना। उर पे बैन, है ना, उर अगर आपको उर का अगर अर्थ मालूम हो जाए रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, उर पे बनमाल विराजती है। उर मतलब हृदय, बनमाल मतलब पुष्प माला, है ना, पुष्पों की माला।
कर, कर मतलब हाथ है ना, उर, अगर उर और बनमाल का बच्चों देखिए शब्दार्थ का महत्व क्या होता, अगर उर और बनमाल का आपको अगर क्या हो जाएगा, अगर शब्दार्थ याद रहेगा तो आप इसका अर्थ अच्छे से बता सकते हो। उर पे बनमाल विराजती है, उर मतलब हृदय है ना, बनमाल मतलब फूलों की माला, उनके हृदय पे क्या हो जाएगा, फूलों की माला विराजती है, ठीक है, गले में। अच्छा, बनमाल मतलब पुष्प माला, मैंने पुष्पों की माला। कर, कर मतलब हाथ, कर हाथ। अधरा, अधरा मतलब ओंठ है ना, अधरा मतलब ओंठ, बोलते हैं ना मुरली कर में अधरा मुस्कानी है ना, अधरा, ठीक है, मैंने मुरली कर में, मुरली कर में अधरा मुस्कानी, अधरा मतलब ओंठ, अधर है ना, है ना, मुरली कर में मैंने उनके हाथों में क्या है, बांसुरी, अधरा, और उनके ओंठ पे मुस्कान, ठीक है। छाजती है मैंने सुंदर लगती है, छाजती है मतलब क्या हो जाएगा, सुंदर लगती है ना, इसमें दिया ना मुरली कर में अधरा मुस्कानी तरंग महाछवि छाजती है, मतलब उन बाल कृष्ण के हाथों में क्या है, बांसुरी, अधरा, उनके ओंठों पे मुस्कान है ना, इसी रूप को देखकर उसका जो बहुत सुंदर दिखते हैं उनके, इसी रूप क्या हो जाएगा, रसखान जी कहते हैं ये बहुत सुंदर दिखती है महाछवि, इनकी इसी महाछवि को देखकर क्या होता है, बहुत सुंदर दिखती है, क्या है, छाजती मतलब सुंदर लगती है ना, सुंदर लगती है। लखे, लखे मतलब देखे है ना, लखे मतलब देखे, ठीक है, लखे। अब देखिए दामिनी, दामिनी मतलब क्या हो गया, बिजली, दामिनी मतलब बिजली है ना। रसखानी लखे तन पीत पटा, दुती, दुती मतलब क्या हो गया, चमक, दुती मतलब चमक, दुती, ठीक है, दामिनी मतलब क्या हो गया, बिजली, दुती मतलब चमक। देखिए दामिनी, दामिनी ना सत दामिनी की दुती लाजती है ना, रसखानी लखे तन पीत पटा सत दामिनी की दुती लाजती है ना, पर लखे दामिनी मैंने कहा जब रसखान जी पीले वस्त्र धारण किए होते हैं है ना, तो क्या हो जाए, तो रस है ना, सॉरी सॉरी, जब श्री कृष्ण जी, जब श्री कृष्ण जी पीले वस्त्र धारण है ना धारण करते हैं, तब क्या, तब रसखान जी उसे क्या करते हैं, रसखान जी कहते हैं है ना, इन रसखान जी कहते हैं उनकी खूबसूरती देख के कि सत सत दामिनी, दामिनी मतलब बिजली, दुती मतलब चमक है ना, तब रसखान जी कहते हैं सत सत है ना, बिजली की चमक की है ना, बिजली की चमक की छटा भी इनके सुंदर के सामने क्या हो जाती है, इनकी सुंदरता के सामने क्या होती है, लजा जाती है, ये बखान करते हैं। इसी के दामिनी मतलब क्या हो गया, बिजली, दुती मतलब चमक, कानी परे मैंने कानों में पड़ती है, कुल कानी मैंने कुल की मर्यादा है ना, कानी परे मतलब कानों में पड़ती है, और कुल कानी मतलब कुल की मर्यादा है ना, कुल की मर्यादा, वो बांसुरी की धुनी कानी परे कुल कानी हियो ताजी भाजती है ना, जब श्री कृष्ण जी के है ना बांसुरी की ध्वनि सुनकर गोपियां क्या होती, बेशुद्ध हो जाती है, और अपनी कुल कानी, कुल कानी मतलब अपनी कुल की मर्यादा को त्याग कर वो उस स्थल पर दौड़ जाती है जहां श्री कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं है ना, वो बांसुरी की धुनी कानी परे कुल कानी हियो ताजी भाजती है, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों कैसे क्या, कानी परे मतलब क्या हो गया, कानों में पड़ती है, कानी परे मतलब कानों में पड़ती है, कुल कानी मतलब कुल की मर्यादा, जब श्री कृष्ण की है ना बांसुरी की ध्वनि सुनकर गोपियां क्या हो जाती, बेशुद्ध हो जाती है, और वो क्या होता है, अपनी कुल की मर्यादा को त्याग कर वो उस स्थान के लिए दौड़ जाती है जहां श्री कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए कानी परे मतलब कानों में पड़ती है, और कुल कानी मतलब कुल की मर्यादा, हियो, हियो मतलब क्या हो जाएगा, हृदय मन, हियो मतलब हृदय मन, भाजती है मन ने भागती है, भाजती है मतलब भागती है, ठीक है, धूरी भरे पर धूल से सने, धूरी भरे मतलब धूल से सने, अंगना, अंगना मतलब क्या हो गया, आंगन है ना, अंगना मतलब आंगन, अंगना मतलब आंगन, ठीक है, पग, पग मतलब क्या हो गया, पैर, पग मतलब पैर, ठीक है, धूली भरे मैंने क्या हो जाएगा, धूली भरे अति शोभित श्यामजू, मन धूल से भरे बाल कृष्ण बहुत सुंदर
दिखते हैं, है ना, लग रहे हैं,